सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पाइडी ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? सो गाइस यार, अपने स्पाइडी में आ गई एक प्रॉब्लम, जो कि अपना ये जो हम लोग का फिल्टर है वो मतलब किसी ने चुरा लिया है गाइस। जब कल मैंने बाहर गाड़ी खड़ा की थी तो उसमें किसी ने इसको निकाल लिया, तो इसको हम लोग को जाना है अभी TVS के शोरूम, वहाँ पर जाके हम लोग इसका करवाएंगे सही यहाँ पे। एंड देन इसका जो क्या कहते हैं जिसका साइलेंसर, उसकी आवाज़ भी लग रही है, इसी की वजह से लाउड हो गई कुछ ज़्यादा ही, तो आपको साइलेंसर की आवाज़ सुनाते हैं गाइस। तो गाइस जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं, इसकी आवाज़ मतलब दूसरे टाइप की कर रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्म बंद करो। सो अभी चलते हैं TVS के शोरूम एंड वहाँ पे जाके देखते हैं इसका क्या मतलब सोल्यूशन निकलता है। सो यहाँ से निकलते हैं गाइस। गाइज यार, यहाँ से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल निकलते हैं, और आप लोग को मैंने भी प्रॉब्लम दिखा दी है। एंड गाइज यार, मतलब मैंने पैसे की चोरी सुनी है और भी बहुत चीज़ों की चोरी सुनी है, बट यार गाड़ी के फिल्टर बॉक्स की चोरी मैं पहली बार देख रहा हूँ। मतलब किस महान ने ऐसा किया अपने साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से पहले निकल जाते हैं और आपसे मिलते हैं सीधे मेन मार्केट गाइज। तो गाइज यार, मतलब कि अब हम लोग यहाँ से चलते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल TVS का शोरूम, बिकॉज अब हो रही है लेट क्योंकि TVS का शोरूम बंद होने का टाइम हो रहा है। तो मतलब कि देखते हैं, अगर मिल गया तो हम लोग उसी जगह मतलब फ़ौरन लगवा लेंगे, एंड अगर नहीं मिला तो फिर उसके बाद कर भी क्या सकते हैं, ऑर्डर लगा देंगे जितने दिन में आएगा। मतलब कि अब मुझे अपनी थोड़ा सा स्पाइडी को कम रेस्ट चलाना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा रेस्ट चलाऊँगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी गाइज, क्योंकि फ़िल्टर के अंदर डस्ट जाएगी, तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं इंजन, हमारे इंजन में जो होता है वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम लोग वहाँ पे सीधे आपको मिलते हैं। 10 years later। सो फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं TVS के शोरूम पे, एंड देन भाई उसका बॉक्स चेंज करना है। ये जो यहाँ पे है ये बॉक्स मेरा कोई निकाल लिया है। हाँ निकल गया, ऊपर गाड़ी ले आए। हाँ चढ़ा लेंगे। सो गाइज यार, अभी तो हम लोग जा रहे हैं अपने स्पाइडी को ऊपर लेके, तो फिर वहाँ पे भाई ने कहा है जो होगा वो लगेगा। दो लोग का गिर चुका है, हमें लग रहा कोई चुरा लिया हमारा। हाँ पेच पिटाया था ना, वही ना, चार चार पेच लग कलम गए कुशीनगर, तो लगो आप रात में आए वहाँ लेकर मंडप पे लेके गए थे पार्क में। हाँ गाड़ी खड़ी कर दिए थे, और जब गाड़ी स्टार्ट की है तो आवाज चेक नहीं की है, सही आवाज है। हाँ कल रात में गिरने भाई आवाज भी लाउड हो गई, बहुत ज्यादा फट के आ रही है, कवर भले गिर जाए कवर मान सकते हैं चलो गिर गया। हाँ फिल्टर नहीं निकलेगा, फिल्टर नहीं निकला हमारा, कवर गिरा है, कवर गिरा है। हाँ सुमा सागर जाओगे साइड में टाइल्स का दुकान है, और इसी सामने हाजी पार्ट है। क्या नाम है? हाजी पार्ट। हमें अगर इसमें SC प्रोजेक्टर लगवाना है भाई, तो कितने किलोमीटर पे लगवा सकते हैं, कितना चल जाए? क्या SC प्रोजेक्टर साइलेंसर हमें दूसरा अगर लगवाना है? हाँ अभी 2-3 महीने हुआ जी, अभी नहीं ना करवाएं, साल डेढ़ साल बाद। सो गाइस यार, मतलब कि हम लोग जा रहे हैं दूसरी शॉप पे, क्योंकि उसी जगह हम लोग को मिलेगा इसका फिल्टर बॉक्स, एंड देन वहाँ पे चल के हम लोग लेंगे फिल्टर बॉक्स, फिर आके इसी जगह हम लोग इंस्टॉल करवाएंगे इसमें। तो फिर XT आ गई, XT। तो गाइस यार, यहाँ पे जो TVS की रेस XT लॉन्च होने वाली, लॉन्च होके आ गई है भाई। ये गाड़ी में जो पावर दी गई है एकदम मस्त है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा दे दी गई है। सो गाइस यार, हाँ हाँ करवा ले,
सो गाइज यार अभी हम लोग आए हुए हैं मतलब कि सिंहवा सागर में, वहाँ पे हमको लेना है इसी एयर फिल्टर का बॉक्स लोकल में, क्योंकि यार वहाँ शोरूम पे था नहीं, तो फिर अब यहाँ पे हम लोग आए, अगर यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग परचेस कर लेंगे यहाँ से। एंड देन यार मतलब कि दो दो बाइक्स मेरे में से चोरी नहीं हुआ है, हम लोग ने बताया मतलब कि इससे पहले भी दो बाइक्स आई थी, उनके साथ ये हुआ था कि मेरा तो फिल्टर नहीं गिरा है, सिर्फ फिल्टर बॉक्स गिरा, उनका तो पूरा फिल्टर ही गिर गया था निकल के। सो अपने लिए तो एक लकी की बात है। तो अभी हम लोग देखते हैं कहाँ हम लोग को एयर फिल्टर मिलता है, फिर उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करवाएंगे। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं शॉप पे, एंड देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को जो अपने स्पेयर पार्ट्स चाहिए वो मिल जाएंगे कि नहीं, तो फिर उसके बाद उसमें इंस्टॉल करवा लेंगे। भाई फिल्टर बॉक्स मिल जाएगा एंटॉर्फ का। तो गाइस यार यहाँ पे तो हम लोग को नहीं मिल पाया इसका फिल्टर बॉक्स, एंड देन हम लोग ने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है अपना, तो फिर अगर इनके मतलब कि जो गोदाम है उसमें अगर होगा तो कल हम लोग को मिल जाएगा, वरना देन हम लोग को एक मंथ की वेटिंग में जाना पड़ेगा गाइस, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वेटिंग में गया पार्ट तो फिर उसके बाद मेरा एयर फिल्टर एंड गाड़ी के इंजन में मतलब डस्ट रूट बैठना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आई होप बस मैं तो यही दुआ करूँगा कि मुझे मिल जाए, वरना मुझे तो वेटिंग में जाना मतलब कि हफ्ता भर 10 दिन की वेटिंग समझ में आती है, बट सीधे उन लोग ने मुझे कितने एक महीने की वेटिंग दे दी है, इस वजह से मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार। तो फिर अब चलते हैं शोरूम और वहाँ पे देखते हैं कोई और भी अगर उन लोग के पास इसका सॉल्यूशन होगा तो उन लोग से पूछते हैं गाइस। तो फिर अब सीधे मिलते हैं शोरूम पे। है नहीं भाई वहाँ पे है नहीं, कह रहे हैं कि कल अगर मिल गया तो ठीक है, वरना एक महीना वेटिंग में जाना पड़ेगा। हाँ हाँ सभी वाहन तो जुगाड़ और है, मान लो भाई कल नहीं मिले एक महीना वेटिंग कैसे से फिर चलेगा। हाजीब क्या हाजीब? हाँ भाई इसी जगह पे और लोकल में क्या पता नहीं हो, हम बताए कहाँ चले जाओ। सुबह सागर चौरा देख रहे हो जहाँ गए थे, वहाँ आप गाड़ी उड़ी सब बनाते हैं, उन सब से मांग लेना मिल जाएगा। वो सब तो कह रहे नहीं मिलने वाला है, कहाँ नहीं मिलेगा, इस सब पार्ट में मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से लाइन की दुकान है कहीं। हाँ उधर ही पता कर लो, उधर ही सकता है। ठीक है और तेल थोड़ा रखा करो भरपूर, देख रहा तेल नहीं है, तेल भरपूर रखा करो, दो लीटर से ज्यादा रहेगा तभी उसमें बताता है। हाँ तेल रखा करो जी जी। तो गाइस यार हम लोग जा रहे हैं दूसरी शॉप पे, बिकॉज हम लोग को एयर बॉक्स मिल तो रही रहा है, क्योंकि मिल जाता तो हम लोग के लिए सही रहता, बिकॉज यार जो इसका आवाज़ निकल के आ रही है वो बहुत ही बेकार निकल रही है गाइस। यार जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि अगर मिल जाता तो सही रहता, वरना प्रॉब्लम थी हम लोग के लिए, क्योंकि यार इसकी आप लोग को मैंने अभी आवाज़ सुनाई, देख रहे हो कितनी गंदी निकल रही है भैया। फिल्टर बॉक्स मिल जाएगा, फिल्टर बॉक्स, फिल्टर बॉक्स, ये देखिए इधर कहाँ मिलेगा। स्पाइडी ब्लॉक्स कंपनी में नहीं है। हाँ तो गाइस यार अभी इन लोग वहां से आ चुके हैं वापस, बिकॉज यार मतलब कि हम लोग को जो एयर फिल्टर है वो नहीं मिला, एंड देन अब हम लोग ने वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है, मुझे लग रहा था कि नहीं मिलेगा, ऑर्डर ही प्लेस करना पड़ेगा, एंड देन अब हम लोग ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो कल अगर उन लोग के पास होगा उनके गोदाम में तो वो लोग कल हम लोग को दे देंगे, वरना हम लोग को पूरा एक महीने का वेट करना पड़ेगा गाइस। और एक महीने तक मैं अपने रेगुलर व्लॉग ही नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यार मैंने 2 घंटा गाड़ी चलाई, मेरे फिल्टर में इतनी डस्ट बैठ गई है कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊं गाइस। एंड मतलब मान लो कहाँ एक महीना मतलब मेरे इंजन की तो पूरी वाट लग जाएगी यार, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो यार मैंने शोरूम को भी पता कर दिया, तो अब हम लोग चलते हैं घर वापस, तो आपसे मिलते हैं किसी और न्यू मस्त एक व्लॉग के साथ।
एंड तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो एंड गुड बाय बाय बाय।